हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका प्यारा जय सर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग ने जान लिया तीन चीजें होती हैं इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर हम लोग कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल गुड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, बैंक में जाते हैं हम लोग को सर्विस मिलता है, इंश्योरेंस के थ्रू सर्विस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सर्विस मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी सर्विस सेक्टर में आते हैं। इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें भी सर्विस सेक्टर में आती है। वापस कहाँ चला गया सर्विस सेक्टर, सॉरी। ओके, सो सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा हमको कहां से पैसे आ रहे? सर्विस सेक्टर से आ रहे। उसका रीजन क्या पता तुम लोग को? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, लेबर सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो लेबर ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से हम लोग सर्विस सेक्टर में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द ग्रॉस स्टेट जीडीपी हैज बीन हाईएस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो 54.5% हमारा सर्विस सेक्टर से इनकम आता है जीडीपी का। द कोर क्या क्या चीजें आती है? तो फिनटेक है, आईटीएस है, स्टार्टअप्स है, जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट की है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर क्या क्या आते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सर्विस। अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन इज अ की टू ओवरऑल सोशल मींस लोगों के लिए और इकोनॉमिक दोनों का डेवलपमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस एक्ट्स एज अ मैग्नेट। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी, एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग द एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू द स्टेट। एडिक्वेट मींस रिक्वायर्ड, सफिशिएंट, कम से कम इतना चाहिए हमको। फैसिलिटीज आर एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। हर स्टेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अट्रैक्शन के लिए कम से कम बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी जरूरी है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस इकोनॉमिक एंड सोशल दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक में आती है एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कोल हो गया, ठीक है, विंड हो गया, ये सारे टाइडल हो गया, ये सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। एनर्जी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन, ये तीनों आते हैं इकोनॉमिक के अंदर। सोशल में आता है हेल्थ, इंसान का हेल्थ कैसा है, एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग गुड्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो मेजर्स क्या है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर ये डेवलप करना है हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अभी जो प्लांट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। ठीक है, जितनी हम लोग कैपेसिटी बढ़ाएंगे उतने हमारे सोर्सेज बढ़ेंगे, उतना हमारे एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में जहां पे बिजली नहीं है अभी बहुत सारी जगह पे, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन करो। नेटवर्क इंप्रूवमेंट, कनेक्टिविटी बढ़ाओ सारी कंट्री, सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट के साथ। प्रोग्राम्स निकालो एनर्जी कंजर्व करने के लिए, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, कंजर्व करना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एलपीजी के लिए हम लोग, पता है वो सब्सिडी आती है सबसे अकाउंट में, सबके अकाउंट में, तो ये हम लोग को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, रोड डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया है कि हम लोग ने कितना 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड हम लोग ने बनाया है। ठीक है, फिर मेट्रो रेलवे लेके आए, देखो अभी मुंबई में काफी अच्छे से काम चल रहा है, आई थिंक सो अभी 6 महीने में स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट मतलब जहां से सी रूट से आता है ना उसको पोर्ट कहा गया है, तो उसके लिए भी संगरमाला प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है ये लोग ने, ये हो गया हमारा कोर, उसके अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने देखा इकोनॉमिक, उसके बाद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल में दो चीजें आती है, हेल्थ एंड एजुकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। देखो ह्यूमन बींग है, जो भी है, इकोनॉमी है, सब कुछ है, किसके ऊपर चल रहा है? इंसान के ऊपर चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? हमारी हेल्थ अच्छी हो। हम अगर पढ़े लिखे होंगे तो हमारा डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन दो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स लिटरेसी प्रोग्राम, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। टॉयलेट्स नहीं होते थे पहले के टाइम पे, ठीक है, तो हर जगह पे टॉयलेट मूवी पूरा अक्षय कुमार ने उसके ऊपर बना दिया है। ठीक है, तो सैनिटेशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए है उसके लिए? तो एजुकेशन में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने हेल्प आउट किया है, बहुत ज्यादा मेजर्स निकाले हैं। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज, हम सबको पता हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट अभी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस हो गए। हम पिछले 60-70 ईयर से सेम ही एजुकेशन पैटर्न यूज किए जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए काफी अच्छे चेंजेस लेके आए। ठीक है, बट वो इम्प्लीमेंट होते होते आपका पढ़ाई हो गया होगा। ठीक है, आपके बच्चों के काम आएगा वो। Education is considered as one of the basic human needs. It forms a backbone of socio-economic development of the economy. Education is significant for human resource development. Human being is a very important resource. उसके development के लिए education बहुत important role play करता है। ठीक है, in the present scenario India is getting advantage. क्यों? हमारी economy में youth सबसे ज्यादा है, human resource में हम लोग बहुत abundant हैं। तो अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो फ्यूचर में हमारा प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी हमारे नेशन के लिए, स्टेट के लिए। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द एजुकेशन। देयरफॉर चार चीजें है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। फर्स्ट टू लेके फिफ्थ प्राइमरी, फिफ्थ से अबव सेकेंडरी, टेंथ से अबव हायर सेकेंडरी, और ग्रेजुएशन जो करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, हायर एजुकेशन कहते हैं। मास्टर्स करिए, बैचलर्स करेंगे वो, ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी एजुकेशन। ये इतना ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाते हैं हम लोग, ये सारी चीजें इतनी करने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्थ सर्विस पे आना है। यस, देयर वर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट एज ऑफ 31st मार्च 2017। ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और ये 360 कम्युनिटी, मतलब लोकेलिटी वाइज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्फसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है ऑन द प्रोग्राम फॉर हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, उसके लिए NHRM करके एक मिशन स्टार्ट किया है वो लोग ने। ठीक है, और NUHM करके अर्बन के लिए स्टार्ट किया है, स्टेट के लिए, स्टेट में जो गांव है उनके लिए अलग से प्रोग्राम है, सिटीज के लिए अलग से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। थ्री टायर मैकेनिज्म है, मतलब तीन लेवल पे है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमारा जो गांव है वो लेवल पे है। ठीक है, ऐसे थ्री टायर बनाया गया है। प्राइमरी टायर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, सेकेंडरी टायर में आते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, और थर्ड जो टायर है उसके अंदर आता है वेल इक्विप्ड अच्छे खासे कॉलेजेस वगैरह रहते हैं, जहां पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बोले जाते हैं। वो सिर्फ मेजर लोकेशंस पे होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, ऐसे जगह पे। ठीक है, वो हर जगह पे नहीं है। तो एक हो गया लोकली अवेलेबल होता है, एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और एक जो मतलब जहाँ पे एकदम हाईली एडवांस जो कॉलेज वगैरह है, सुपर स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे थ्री टायर का उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अभी आते हैं टूरिज्म पे। ये हमारा एक बोलते हैं ना सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि टूरिज्म, और महाराष्ट्र टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, टूरिज्म अट्रैक्शन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र अट्रैक्ट टूरिस्ट, मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड टू, आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं और इंडिया में से भी लोग आते हैं। टू प्रमोट स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, गवर्नमेंट ने 2016 में एक महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी बनाया था। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो हम लोग को महाराष्ट्र को 2025 तक एकदम लीडिंग टूरिस्ट प्लेस बना देना है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट लाना है टूरिज्म में कितना, 30,000 करोड़ का। फिर
क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स, 10 लाख जॉब्स देनी हम लोग को टूरिज्म में। तो एमटीडीसी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो एक एजेंसी है जो इसके लिए ही काम करती है, अलग अलग इवेंट्स बनाती है जैसे एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल, ठीक है, ऐसे हर जगह पे फेस्टिवल्स कंडक्ट करती है सो दैट ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। एमटीडीसी ने एक अलग से स्कीम भी लॉन्च किया है, ठीक है, जिसको महाभ्रमण मतलब पूरा घूमने के लिए महाराष्ट्र के लिए एग्रीकल्चर टूरिज्म कर सकते हैं, विलेज टूरिज्म कर सकते हैं, फूड टूरिज्म कर सकते हैं, सफारीज है, ट्राइबल लाइफस्टाइल, आदिवासी के लाइफस्टाइल क्या है, ये सब एक ही जगह पे आप जाओ और सब कुछ आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, उसके लिए एमटीडीसी काम कर रही है। ठीक है, अभी टूरिज्म है तो ऑफकोर्स हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी तो देना पड़ेगा उनको, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी तो जो होटल्स वगैरह रहते हैं उसके लिए ये अभी बहुत ज्यादा मतलब बोले ना अभी कैसा है, लोगों को सिर्फ घूमना नहीं है, घूमने के साथ में कंफर्ट भी चाहिए। आप अगर कहीं पे स्टे कर रहे हो, आप कहीं पे खाना खा रहे हो तो आपको सर्विस भी चाहिए, आपको सिर्फ अच्छा खाने से कुछ नहीं है, उसके साथ आपको कैसी प्लेजेंट सर्विस मिल रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीजें हॉस्पिटैलिटी में आती है, तो ये सर्विस सेक्टर है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। Hospitality is a much broader industry than other industry. It has grown manifold. बहुत सारी चीजें टूरिज्म के साथ में इसमें आ रही है, ठीक है। One of the most defining aspect of this industry is that it focuses on customer satisfaction. Customers को सिर्फ goods नहीं देना है, उसको एक comfort देना है, उसको satisfaction feel कराना है कि हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा feel हुआ करके। Hotel industry is one of the sector of the hospitality. Hospitality का मतलब hospital नहीं होता है, ठीक है। Many forms of transportation that cater to the tourists are also part of this business. अभी हम लोग suppose tourism है लेकिन transportation है तो वो कैसी कार या कैसा transport का means हम लोग provide कर रहे हैं वो भी हमारे hospitality में आता है। जैसे कि मुंबई से गोवा का cruise start हुआ है तो वो हॉस्पिटैलिटी में आता है। आप 3 दिन 2 दिन में पहुंचोगे वहां पे, लेकिन वो 2 दिन का जो जर्नी होता है उसमें आपको जो लेविश फील कराता है दैट इज हॉस्पिटैलिटी। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाओ मजा आ गया करके, सो वाओ फीलिंग जो है दैट इज हॉस्पिटैलिटी, वो हॉस्पिटैलिटी में हम लोग को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स, फिल्म इंडस्ट्री भी है, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट में आएगा। हॉस्पिटैलिटी के बाद एंटरटेनमेंट में आता है, ठीक है। इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा मूवीज, फिल्म सिटी हमको पता है मुंबई में ही है, ठीक है, बॉलीवुड तो उसकी वजह से वो बहुत चल रहा है। उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब सब एक दूसरे के साथ हेल्प करके हम लोग को सारे बिजनेस, सारे सर्विस सेक्टर को साथ में बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग ने कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अंदर एग्रो प्रोसेसिंग, प्रोड्यूस करना, उसको मार्केट करना, शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिशरीज, फिशेज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जितनी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट होती है वो लोग प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं उसके मेंबर्स को बेनिफिट हो उसके लिए ये लोग ने ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए हुए है, ठीक है। तो एज ऑन 31st March 2000 देयर वर अबाउट 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट। उसके कितने मेंबर्स है, 5.25 लाख मेंबर्स है, तो काफी ज्यादा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, हमारा महाराष्ट्र इकोनॉमी के ऊपर जो स्टडी था ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ यू।